भाई खाना देखो कैसा है, 2 घंटे के अंदर सारा शफाचट खत्म। और रश देखो मेरे पीछे, आप ये रश देख रहे हो, साइकिल के ऊपर सेटअप है। और भाई साइकिल के आप सेटअप भी नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ रश दिखेगा। और माना जाता है भाई इतने बड़े शहर के अंदर खड़ा हुआ, इंडिया का दिल है दिल्ली, दिल्ली के बोला जाता है स्वाद में नंबर 1 भटूरे ये है। आओ दिखाता हूँ। और भाई आवाज सुन लो आप, सिर्फ एक प्लेट दो, दो प्लेट दो, आपकी एक प्लेट दो प्लेट है। अरे बहुत मुश्किल से ना जगह मिली है अंदर आने की। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव महेश्वरी है। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, कितना पुराना सेटअप अपना ये? सेटअप तो 16 साल मेरे को है, 30 साल बाबूजी को है। आपके फादर साहब ने शुरू किया था? हाँ। आपकी पैक करनी खानी है? और भाई आपके सामने सीन है, अंकल फुटे चल रही है, बाद में लेने आओ। पूरा रश का माहौल है, लोग खड़े हैं। और अंकल जी कितने से कितने बजे तक आते हो? सवा चार से साढ़े छः। सवा चार से साढ़े छः, सिर्फ 2 घंटे काम करते हो भाई? 2 घंटे में माहौल रहता है ऐसा, मतलब लोग आ रहे हैं। और ये देखो लगातार, ये देखो ये सामने भटूरे लग रहे हैं, उस साइड चलता हूँ और आपको पूरा माहौल दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का। यार बिल्कुल पीछे आ गए हम अंकल जी के साथ। सर क्या हाल है आपका? नाम क्या है सर? हर्ष। हर्ष महेश्वरी। फादर साहब है, अभी तीसरी पीढ़ी हो आप यहाँ पे एक तरह से, है ना? हाँ, सामने भटूरे लग रहे हैं, देखो तवे वाले भटूरे हैं। और ये रश देख रहे हो आप, 2 घंटे के लिए दुकान खुलती है अंकल जी अपनी, है ना? बस 2 घंटे। और 2 घंटे में यार लोगों का प्यार है, ये आप देखो सामने। दिल्ली में ऐसा क्रेज मैंने छोले भटूरे के लिए नहीं देखा, वो भी शाम के समय। अंकल जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो सर, बोलो जल्दी बताओ, बताइए जल्दी। सर जैसे अभी छोले भटूरे सुबह का नाश्ता माना जाता है, ये नाश्ता नहीं है सर? तो जैसे आपको ये यार खाली स्वाद है, ना लंच है ना डिनर है, कुछ नहीं है, ये केवल टेस्ट है यहाँ पर। अच्छा, ना डिनर है, ये सिर्फ स्वाद है। स्वाद होता है, स्वाद के लिए आता है। तो अंकल जी स्वाद में अपने पास होता क्या क्या है? छोले भटूरे, छोले कुलचे, छोले चावल, राजमा चावल। क्या बात है जी, ये छोले भटूरे सामने है। सर कैसे है छोले खाने है, पैक करनी है? बहुत बढ़िया, 5 मिनट 5 मिनट खाने यहाँ पे खा रहे हैं यार। अंकल जी के पास 1 भी सेकंड का टाइम नहीं है। अंकल जी एक बार छोले दिखाइएगा। लो आइए आइए लो, ये देखो यार ये गर्मा गर्म छोले। अरे वाह, पर इसमें डलता क्या क्या छोले में? खड़े मसाले, खड़े मसाले हाथ के बने हुए। अच्छा, प्याज लहसुन नहीं डालते? नहीं, कुछ टमाटर भी नहीं है। क्या बात है, बिना प्याज टमाटर भी नहीं के छोले। और ये जा रहे हैं जी कुल्लड़ में। अंकल जी प्लेट कितने की होती है? 50 रुपए की प्लेट है। 50 रुपए की प्लेट है भाई। और रश है ना जो, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। छोले हैं, कितने साल चलाई आपके बाबूजी ने? 30 साल। 30 साल सन छह यार, 30 साल में इनकी ये कमाई है, जो लोग खड़े भी है ना, जो रश पड़ा वो इनकी 30 साल की कमाई है। और भाई आवाज सुन लो आप, सिर्फ एक प्लेट दो, दो प्लेट दो। साइकिल के ऊपर सेटअप है, और क्या कमाल का क्राउड है ना इस टाइम। अब ये देखो ये कुल्लड़ यूज करते हैं अंकल, कुल्लड़ के अंदर आगे जी छोले बिना प्याज और लहसुन वाले, और ऊपर से आगे चावल। चावल उस साइड रखे हुए आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चावल उस साइड रखे हुए हैं, सेटअप बहुत बढ़िया मैनेज किया हुआ है। और जो क्राउड है ना, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप कब से आ रहे हो? 16 साल से। क्या बात है यार, ये देखो यार एकदम बड़े बड़े साइज के भटूरे निकलते जा रहे हैं अंकल जी के पिटारे में से। खा लो उसको, ले लो पैसे, खाने के बाद देना पैसे, मेरे को भी नहीं देना। अरे पैसे बाद में दे पाजी, पैसे बाद में दे दी, पैसे बाद में दे पाजी। यार लोग खड़े हैं हाथों में पैसे लेकर, और प्लेट की वेट करें। अंकल जी भटूरे छोले की प्लेट कितने की अपनी? 30 रुपए को लगाओ मेन्यू। 50 रुपए की तो सामने लगाओ यार, वो पीछे मेन्यू लगा हुआ है, मेन्यू में आप चेक कर लो। वाह, क्या लिया? 50 रुपए से ऊपर कोई आइटम नहीं अंकल जी के पास, और सारा कुछ मिलता है जी कुल्लड़ के अंदर। और भटूरों का साइज चेक करो, क्या बड़े बड़े भैया। भटूरे में भरा भी होता है कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं भरा हुआ है ना। और यार एकदम ना ऑयल फ्री भटूरे हैं, पतले पतले से। और ये देखो चौंक है ना जो, अंकल जी के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली शहर में पहली दुकान देखी है कि खुलने से पहले लोग खड़े हैं और अंकल जी का वेट कर रहे हैं। अंकल जी ये अपने पैकेट में क्या रखा हुआ है सामने पैक कर करके? ये भटूरे, भटूरे भटूरे पैक कर रखे हैं यार, भटूरे सामने पैक करके रखे हैं कि टाइम नहीं है इनके पास पैकिंग करने का। प्लेट्स बना के रखी हुई है, छोले जा रहे हैं और सीधा लोगों के पास हाथों में। अंकल हफ्ते में कितने दिन आते हो आप? संडे छुट्टी। और 6 दिन मिलते हैं, स्वाद ऐसा। अब तो मेरे अंदर पूरी क्यूरियोसिटी हो रही है कि स्वाद आखिर है कैसा, कि लोग खा रहे हैं। एक बार अंकल छोले चला के दिखाइएगा। ये आता दिन पर आता। तो ये चेक करो यार छोले, वाह, बिना प्याज और लहसुन के छोले, और बीच में पनीर भी नजर आ रहा है इनमें। मतलब यार जो प्रोसेस है यहाँ पे इन्फिनिटी हो चुका है, लगातार प्लेट पे प्लेट्स आ रही है, 1 भी सेकंड उनके टाइम का फ्री नहीं है। अंकल जी नंबर आ जाएगा हमारा इस बार में? आ गया, आ गया, आ गया। तो यार फाइनल नंबर आ गया अपना, अंकल जी छोले भटूरे के प्लेट लगा के देंगे। जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था ना कि आखिर भाई वो प्लेट दिखती कैसी है, वो अब देखते हैं। ये भटूरे लगातार भैया गर्म कर रहे हैं, ये घर से बना के लेके आते हो भैया? और काफी टाइम लगता होगा इनको भी तैयारी करने में पहले।
लीजिएगा आप आ जाओ। अच्छा आप सिर्फ यहाँ पे हेल्प करवाते हो? बहुत ही बढ़िया यार। देखो यार लगातार लगती जा रही है, यहाँ पे कुल्लड़ के अंदर छोले आ रहे हैं। और ये देखो भाई कस्टमर्स खड़े हैं, इनका भी रिव्यू लेते हैं। सर कब से आ रहे हो आप खाने? 15 साल हो गए जी। 15 साल से? क्या बात है। और 15 साल से स्वाद सेम है? बिल्कुल सेम है जी। तो 15 साल पुराने कस्टमर्स आ रहे हैं और यहाँ पर माहौल है ना जो बहुत ही कमाल का है। अंकल जी लगा दीजिए प्लेट। लगे आपकी लगे लो। क्या बात अभी है। आपका खाना ना यार क्रेज है ना जो मेरे मन में बढ़ता ही जा रहा है कि भाई इतना रश है स्वाद कैसा होगा। मतलब मन में फुल क्यूरियोसिटी है छोले भटूरे को लेकर। लो जी लो। तैयार है सर? हाँ तैयार है। क्या बात है। ये आगे जी गर्मा गर्म छोले कुल्लड़ वाले, साथ में अचार प्याज और ये भटूरे। एक ही प्लेट है सर मेरी? तो भाई मेरी प्लेट आ गई, आपकी अभी रहती है? कब से खड़े हो? 15 मिनट से खड़े सर। आप कब से खड़े हो? तो अंकल जी थैंक यू, हमें पहले मिल गई है प्लेट पर हमें भी खड़े 20 मिनट हो चुके हैं भाई। तो ये प्लेट है, ऐसे भटूरे हैं दो, आप देखो। मतलब लुच्ची पूरी वगैरह अमृतसर में मिलती है, पूरी होती है, बट यहाँ पे भटूरे हैं दिल्ली में यार। और दिल्ली की आन बान शान जान लोगों के दिलों के। सुबह भटूरे मैंने देखे दिल्ली में लोग बहुत खाते हैं, पर भाई शाम के 4 बज रहे हैं, लंच अंकल जी खुद कह रहे हैं ना लंच है ना डिनर है, स्वाद है। तो स्वाद क्या है अब देखते हैं क्या कमाल है। बाकी आप देख ही रहे हो माहौल, मतलब पूरा जैम पैक। आप लोग कितनी आंखें मुझे देख रही मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी आंखें भाई मेरे को देख रही हैं। एक बार दिखाना भाजी आप देखो, ये सब शौकीन है आपके और मेरी तरह बढ़िया खाना खाने के, तभी अंकल जी के पास आए। क्यों अंकल जी रश में बिजी हैं? अंकल अभी जवाब नहीं देंगे, आओ फटाफट। ये भाई छोले बिना प्याज और लहसुन वाले, गर्मा गर्म, एकदम गर्मा गर्म। ओ मुंह नहीं जला, दिल खुश हो गया। शाबाश बेटा, इतना मतलब रश है ना इसी वजह से जो 15 साल से खाने आ रहे लोग। छोले भाई मलाई है, मुंह में रखो, जाएंगे मुंह में उतरेंगे दिल में, पिघल गए। एक कहते ना स्वाद पेट तक जाने में रास्ते में दिल आता है, छोले दिल पे रुकेंगे पहले, आपको बताएंगे मज़ा आया, फिर पेट में जाएंगे। और बाकी जो गवाही है ना मैं अकेला नहीं दूंगा, ये बार बार कह रहा हूँ लोग दे रहे हैं। आओ भैया आप भी लो, लेट आएगी अभी 15 मिनट और इंतजार कराएंगे अंकल। सही बात है। तो हम खाते हैं छोले आ गए। अंकल जी लोकेशन तो बता दो। क्या बोला तूने? किसी से पूछते हैं अंकल अभी बिजी हैं। लोकेशन कहाँ खड़े हैं? नागिया पार्क शक्ति नगर में चौक, जहाँ आपको रश दिखे समझ जाना अंकल जी खड़े हैं, आगे रुक जाना। हाँ जी कैनरा बैंक के पास अंकल जी ने बिल्कुल स्पेसिफिक लोकेशन दिया। बता दिया पहले टाइम, 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे आते हैं जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बिजी आदमी है